अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम के लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी कौन करेगा। नंबर 4 पर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी है नंबर 5 के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कौन बल्लेबाजी करेगा T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। तो सबसे पहले और बड़ा उम्मीदवार है इस वक्त खुशदिल शाह, जिसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नजर नहीं आता कि खुशदिल शाह कितना बेहतरीन फिनिशर है। तो जिस वजह से खुशदिल शाह का मुकाबला अब किसी से नजर नहीं आता है। अगर इनके पीछे खिलाड़ियों की बात करें तो सुहेब मकसूद की शक्ल में एक खिलाड़ी हमें नजर आता है, इसके अलावा आजम खान की सूरत में हमें एक खिलाड़ी नजर आता है, इसके अलावा सरफराज अहमद की सूरत में भी एक खिलाड़ी हमें नजर आता है, और उमर अकमल भी पाकिस्तान के लिए इस नंबर के ऊपर T20 में भी बैटिंग कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए पहली चॉइस रहेंगे और एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, और T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर इस नंबर पर पाकिस्तान की तरफ से लेजेंड शुएब मलिक ने बैटिंग की थी, लेकिन अब शुएब मलिक का हो सकता है कि नंबर पर मोटो हफीज के जाने के बाद हैदर अली की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से शुएब मलिक को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाई जा सकती है, जबकि खुशदिल शाह का जो नंबर है वो खुशदिल शाह से अब लेना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस खुशदिल शाह ने कुछ अरसे में दिखा दी है, तो खुशदिल शाह की बल्ले बल्ले हो चुकी है। रमीज राजे के पसंदीदा खिलाड़ी हैं, तो रमीज राजे तो कहते हैं आपका नाम तो दिल खुश होना चाहिए, खुशदिल नहीं होना चाहिए, तो फिर खुशदिल शाह को हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान का नंबर 5 का बेहतरीन खिलाड़ी रहने वाला, क्या आप इससे एग्री करते हैं? अगर आपको अपडेट चले गए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।